हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आपको याद रहे कि आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है जिसका नाम रखा है गिफ्ट, जो इजीली याद हो सके। इसमें जो सबसे पहला वर्ड है जी, इसका मतलब है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हमारी इंटेस्टाइन है वो इस हिसाब से डिजाइंड है कि जो वेजिटेरियन फूड है वो इजीली डाइजेस्ट होता है और नॉन वेजिटेरियन फूड को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, अगर आप खाते हो तो आपको अच्छे से डाइजेस्ट होती हैं, इंटेस्टाइन भी अच्छे से थॉरली क्लीन हो जाती है और टाइम भी डाइजेशन में कम लगता है। सेकेंड वर्ड है आय। आय का मतलब है इनटेक ऑफ वाटर और इनटेक ऑफ मिल्क, यानी जो भी लिक्विड्स हैं। इनटेक ऑफ वाटर एक नॉर्मल आदमी में जिसका वेट 60+ है, 8 से 10 ग्लास होना चाहिए और उसको रात को सोते हुए गर्म दूध जरूर पीना चाहिए। थर्ड वर्ड है एफ। एफ से मतलब है फाइबरस फ्रूट और फ्रेश फ्रूट्स। तो हमको हर चीज़ फ्रेश खानी चाहिए। जो हमारी मदर नेचर है, जो माँ प्रकृति है, उसने जो भी चीज़ फ्रेश बनाई है उसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में इजीली रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो आप अगर फ्रूट्स खाते हैं जो फ्रेश फ्रूट है, या अगर आप खाना फ्रेश खाते हैं यानी खाना बनने के 2 से 3 घंटे के अंदर खाने को फ्रेश माना जाता है, तो वो खाना इजीली डाइजेस्ट होता है। उससे आपको सारे न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे आपको मिल जाते हैं। और लास्ट और फोर्थ पॉइंट है टाइमली फूड। अब टाइमली फूड से हमारा मतलब है कि जैसे हमारी बॉडी में एक क्लॉक जो है वो फिट हुआ हुआ है, जो सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। जैसे आप रोज सुबह 6 बजे उठते हैं तो आपको अलार्म ना भी लगाओ तो आप 6 बजे उठ जाओगे। आप रोज सुबह 8 बजे टॉयलेट जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप 8 बजे ही टॉयलेट जाते हो। सेम वे में अगर आप अपने खाने का समय निश्चित कर लेते हो कि मुझे सुबह इतने बजे खाना है, दोपहर को इतने बजे और रात को इतने बजे, तो आपके जो इंटेस्टाइन है वो अडेप्ट हो जाती है और डाइजेशन उसी हिसाब से प्रॉपरली हो जाती है। अगर आपका फूड का टाइम प्रॉपर नहीं है, कभी 2 बजे खा लिया कभी 6 बजे खा लिया, तो उससे सारे दिन का शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमको खाना हमेशा टाइमली खाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको सारी नई वीडियो से अपडेटेड रख सकें।